गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सदा फूड डायरीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी मज़ेदार सो सॉफ्ट स्पंजी वैनिला केक की रेसिपी। नाउ लेट्स मूव टू द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 कप पाउडर शुगर, ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप, 1 कप व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे लिए। यहाँ पे मैंने एग्स लिए 2, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे लिए, ऑयल 1/4 कप, और मैंने मिल्क भी यहाँ पे लिया 1/4 कप। अब मैं यहाँ पे लूँगी अंडे, एक बाउल में मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए अपने तोड़ के। उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी डालूँगी आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर। अपनी पाउडर शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से विस्क करूँगी विस्कर से। उसके बाद मैं इसके अंदर बीटर से बीट करूँगी इसको, अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी इसको, यहाँ पे बीटर से बीट करूँगी। फॉमी सा मेरा ये अंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल अपना, यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको बीट करूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर्स ऐड करूँगी अपने, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और अपना बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। इसको यहाँ पे मैंने छान लिया था छन्नी से, आप देख सकते हैं। स्टिर करने के अच्छी तरह से इसको स्टिर करूँगी ग्रेजुअली, इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने दूध ऐड किया है इसके अंदर। ग्रेजुअली आपको दूध ऐड करना है, डायरेक्ट सारा नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके आपको मिक्स करते रहना है इसको। यहाँ पे मैंने सारा ऐड कर दिया जो मेरा रह गया था। अब मैं वैनिला एसेंस मैंने ऐड किया, उसको ग्रेजुअली मिक्स कर दिया। अब मैं अपना पैन ग्रीस करूँगी, इसके ऊपर मैंने रखा है बटर पेपर, उसको भी ग्रीस कर लिया मैंने। ये मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे मैंने मोल्ड में सारा अपना बैटर ऐड कर दिया। अब मैंने ओवन में रखा है, ओवन मैंने प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पर 20 मिनट। उसके बाद मैंने टाइमर रख दिया 20 मिनट्स का। यहाँ पे मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करूँगी अच्छी तरह से बीटर से। मैं इसको आपको इतना बीट करना है इसको कि आप जब अपना बाउल उल्टा करें तो आपकी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी ना गिरे और वो स्टिक रहे। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी लानी है, इतना बीट करना है। यहाँ पे मैंने बीट, मेरा केक रेडी हो चुका था, मैंने निकाल लिया था ओवन से और इसको हाफ कर लिया था सेंटर से। अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊँगी और मैंने दोनों लेयर पे अपने शुगर सिरप और क्रीम लगा दिए थे व्हिपिंग क्रीम में। मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई थी। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप डेकोर करके खाना चाहें तो डेकोर करके खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा कलर ऐड करके, पिंक कलर, यहाँ पर मैं डेकोर कर रही हूँ। इसका स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार सा स्पंज है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल ऐड कर दिए हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पंजी मेरा वैनिला केक सकते हैं, बड़ी मज़ेदार सा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना इसमें भूल गई हूँ कि जब तक आपका केक बैटर मैंने ओवन में रखा था तब तक मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम को ठंडा होने रख दिया था 15 to 20 मिनट्स। ये मैं आपको बताना भूल गई थी तो मैंने सोचा एंड में बता दूँ। यहाँ पर मैंने केक सर्व करके दिखा दिया है, बड़ा ही मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पंज केक। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन। हाफिज़।